कुछ ही लोग बेच रहे हैं, थोड़ा टाइम है मतलब मान लिया 10 दिन का, 10 दिन का टाइम, 10 दिन के बाद टोटल स्टोरी बिकेगा, यही आलू बिकेगा। तरबूज से फर्क पड़ता है आलू पे, तरबूज से फर्क पड़ता है आलू पे, तरबूज की डिमांड अच्छी रहती है, आवक अच्छी रहती है आलू की। जो ग्राहक मतलब जैसे हमारा पैकार है वो हल्के आलू बेचने वाला, वो तो वही आदमी है जो आलू बेचते हैं वही तरबूज बेचेंगे। अभी तरबूज 2-3 रुपए किलो आएगा, वो तो बाजार में 20 रुपए किलो बेचते हैं, दिन में 20 किलो बेच लिया उनकी झाड़ी हो जाती है। तो आलू पे कम ना आलू डाल करेंगे काम, तब तक तरबूज बिकेगा तब तक आलू नहीं काम करेंगे। मंडी में बढ़िया आ नहीं पाता, यहाँ बिकता है 8 रुपए, खेतों में बिक रहा है 10 रुपए। वही तो मैं चीज कह रहा हूँ ना, 10 रुपए खेतों में बिकेगा, यहाँ 8 कौन बिकवा लेगा। हम उसे तेज से तेज बेचेंगे तो 8-8.5 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, लेकिन जिसका 10 रुपए खेत पे ही बिक रहा है तो किराया वाला खर्च करके यहाँ क्यों लाएगा। मैं भी आगरा सिकंदरा मंडी में हूँ और आज की स्थिति क्या है, आज का आलू का भाव क्या है, बाकी ओवरऑल बात करें तो 2023 में आलू का क्या भाव रह सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि आज का सिकंदरा मंडी का है क्या रेट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। नरेंद्र भाई, आज की आवक कैसी है मंडी की? आवक अब तो कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, डंप तो लगा हुआ खत्म ही हो गए होंगे, 7 गाड़ी डंप ही आ रहा है, लास्ट आ रहा है, लास्ट आ रहा है, जब तक चल जाए 6-7 गाड़ियां, अब कितने दिन चल जाए, 10 दिन चल जाए, 1 हफ्ता चल जाए, 15 दिन चल जाएगा, इक्का दुक्का चल सकता है थोड़ा बहुत, वैसे 10 दिन में निपट जाएगा, 10 दिन में निपट जाएगा। आगरा गया तो निपट गया होगा, बाहर गए फरुखाबाद वगैरह वाला ये आ रहा होगा, फरुखाबाद वाला आ रहा है, थोड़ा बहुत आगरा का भी आ रहा है, आगरा था 1-2 दिन का, 2-4 दिन हफ्ते भर का मारा, कोल्ड वाला अभी आ रहा है मंडी में, नहीं आ रहा आलू, कोल्ड वाला चिप्सोन आ रहा है, चिप्सोन आ रहा है, सोना का भी रेट डाउन हो गया है, 1200 रुपए से खुला था, 1100 रुपए रेट, 1100 रुपए के आसपास आ रहा है। और आज का अपने पास क्या क्या रेट के निकले? अपने पास तो अब ज्यादा फ्रेश माल नहीं थे, 700-800 रुपए तक, 700-800 तक, वैसे 1000 रुपए तक का बिक रहा है, 1000 रुपए तक का डंप बिका है अभी, तो मार्केट कुछ डाउन है क्या पहले से? डाउन में बिक्री कम हो जाती है इस समय, बिक्री कम है, बिक्री कब तक बढ़ने के आसार है? बिक्री तो ये बरसात में ही बढ़ती है, जब बरसात होने लगती है, और थोड़ी सी गर्मी कम होगी तभी जाके बिक्री बढ़ेगी। तो अभी डंप वाली आलू की लोडिंग वोडिंग मंडी से तो होनी होगी, बाहर के लिए बाहर से भी नहीं है, अब सब टोटली लोडिंग स्टोर से है, स्टोर से है, मंडी से तो कुछ है ही नहीं। तो आज का वही आलू का भाव रहा जो हल्के का 700-800, बढ़िएगा 1000 रुपए तक, चिप्सोना कह रहे हो आप 11 के आसपास, 1100 रुपए का आ गया है, 1100 रुपए। अभी मैं दुबे ट्रेडिंग कंपनी पर हूँ और मेरे साथ में हरिओम दुबे जी हैं। दुबे जी, अगर आज की आवक की स्थिति देखें तो क्या मंडी की आवक की स्थिति आज? ये देखो इस समय आवक के जो मेरे पास स्टोर के आलू है, T7 है, चिप्सोना है, ये तो ना के बराबर आ रहे हैं, मेरे पास ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बाकी आलू चल रहा है ये मंडी के अंदर जो डैम्प का, डंप का ये जो, हाँ ये बिक रहे हैं 8-8.5 रुपए की कोई। अच्छा अच्छा, हाँ तो थोड़े दिन ये चलेगा, उसके बाद आगे अभी जो इसकी बिक्री अभी बनी नहीं है, ये 15 रुपए किलो बिक रहा है, वो 12 रुपए किलो बिक रहा है, वो 12 बिक रहा है, ये 15 बिक रहा है, इनकी अभी बिक्री बनेगी जब वो खत्म हो जाएंगे, जब डंप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मद्दा बिक रहा है बाजार में, ये कुछ ही लोग बेच रहे हैं, थोड़ा टाइम है मतलब मान लिया 10 दिन का, 10 दिन का टाइम, 10 दिन के बाद टोटल स्टोरी बिकेगा, यही आलू बिकेंगे। अभी वैसे टोटल गाड़ियों की बात करें तो कितनी आवक के आसपास? ये तो एक ही गाड़ी आलू है बस, मेरे पे T7 जो है, T7 चिप्सोना की होंगी 5-7 गाड़ी मंडी, 5-7 गाड़ी होंगी, और ये तो फिर होगा, ये तो मेरे हिसाब से 8-10 गाड़ी होना चाहिए, 10-12 गाड़ी वो होगा, 10-12 गाड़ी डंप आलू। जैसे ये अभी किर्री विर रही है, ये क्या रेट की जा रही है किर्री? देखो किर्री की पोजीशन मान के 150-200 रुपए पैकेट। अच्छा, और गुल्ले की पोजीशन 300-400 रुपए पैकेट की है, और मोटे आलू आपको बताई दीजिए 8-7 रुपए बिक रहे हैं, 7-8.5 तक के डैम्प वाले, चिप्सोने बिक रहे हैं 11-12 रुपए के, और T7 ये 15 रुपए का, ये तो लिमिटेड ही आलू आ रहा है, लिमिटेड हल्द्वानी के विकल्प है एक तरीके से। अच्छा, हल्द्वानी का ऑप्शन है, हाँ हल्द्वानी आएगी तो कम से कम 30 रुपए की आएगी, तो वो आती नहीं, ना के बराबर हो गई है, अब यही बिक रहा है। अरे कोल्ड वाला आलू करीब करीब मंडी में कब तक आना शुरू हो जाएगा? जैम पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसकी पकड़ आएगी, उसके बाद ही आएगी, 1 महीना मान लो आप इस चीज में लगेगा, क्योंकि तब तक तरबूज भी बिकता रहेगा। अच्छा, तरबूज से फर्क पड़ता है आलू पे, तरबूज से फर्क पड़ता है आलू पे, तरबूज की डिमांड अच्छी रहती है, आवक अच्छी रहती है आलू। जो
ग्राहक मतलब जो है हमारा पैकार है वो हल्के आलू बेचने वाला, वो तो वही आदमी है जो आलू बेचते हैं वही तरबूज बेचेंगे। अभी तरबूज 2-3 रुपए किलो आएगा, वो तो बाजार में 20 रुपए बेचते हैं, दिन में 20 किलो बेच लिया उनकी झाड़ी हो जाती है। तो आलू पे काम ना क्यों करेंगे काम, तब तक तरबूज बिकेगा तब तक आलू नहीं काम करेंगे। दूसरी एक चीज और, आगरा मंडी की बात करें तो हल्का माल ज्यादा आता है क्या? हाँ, लोकल में ज्यादातर हल्का ही माल आता है आगरा मंडी के अंदर, सही कह रहे हो आप, क्योंकि खेतों से व्यापारी इतना है आगरा के अंदर कि बढ़िया चीज को आने नहीं देता है हमें, सीधा बाहर। रेट में जो अंतर होता है ना फ्लक्चुएशन, उस वजह से आलू अंदर मंडी में बढ़िया आ नहीं पाता। यहाँ बिकता है 8 रुपए, खेतों में बिक रहा है 10 रुपए। वही तो मैं चीज कह रहा हूँ, 10 रुपए खेतों में बिकेगा, यहाँ 8 कौन बिकवा लेगा? हम उसे तेज से तेज बेचेंगे तो 8-8.5 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, लेकिन जिसका 10 रुपए खेत पे ही बिक रहा है तो किराया वाला खर्च करके यहाँ क्यों लाएगा? क्योंकि डंप की भी बात करें तो डंप भी 11-12 बिक रहे हैं, बिक रहे हैं, यहाँ नहीं बिकेगा, मजबूरी हो जाएगी यहाँ आपको बेचने की, इस वजह से थोड़ा हल्की क्वालिटी का, इसीलिए यहाँ बाहर के आलू ज्यादा बिकते हैं, आपको तो लोकल के कम बिकते हैं। लोकल का टोटल आलू व्यापारी है बाहर, यहाँ मैनपुरी फरुखाबाद, यहाँ से 100 किलोमीटर से ऊपर के आलू आगरा में जो फरुखाबाद वगैरह का है वो थोड़ा मध्य होते हैं, कलर डेम हल्का होता है वो मध्य बिकता है। हाँ, बस यही पोजिशन है भैया।